सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं मेरी नई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और लोहड़ी नज़दीक आ गई है, तो इसी उत्सव पे हम बनाएंगे तिल और मूंगफली की गच्चक, जिसको हम गुड़ में बनाएंगे। तो इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि पहले मैंने मूंगफली और गुड़ की गच्चक बताई थी, तो पूछ रहे थे कि तिल और मूंगफली की कैसे बनती है गच्चक, तो आज मैं वही बनाना बताऊंगी आपको। इसके लिए मैंने ली है एक कटोरी तिल लिए हैं, ये मैंने वाइट तिल लिए हैं, और एक कटोरी मैंने ली है मूंगफली, और ये मेरा 250 ग्राम के करीब है गुड़, और ये मैंने एक चम्मच लिया है देसी घी। और मूंगफली मैंने रोस्ट कर ली है पहले, ये छिलक वाली कच्ची मूंगफली थी, इसको मैंने सूखी कढ़ाई में भून कर इसका छिलक उतार दिया है, और अब हम तिल को भी सूखी कढ़ाई में भून लेंगे। तिल को हम डाल देते हैं सूखी कढ़ाई में, इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तिल का कलर चेंज होने लग गया है, देखिए बीच में ब्राउनिश शेड आ गई है इसके। अब हम इसको थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए ब्राउनिश में हो गए हैं हमारे तिल, तो इसमें एक तो मॉइस्चर नहीं रहता और एक बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं, और इसके गच्चक में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा रोस्ट करते हैं और थोड़ी इसकी शेड ब्राउनिश हो जाती है। और अब हम गैस को कर देते हैं बंद। अब हम इनको नीचे उतार लेंगे। अब हम मूंगफली को हल्का सा इसको पीस लेंगे, बिल्कुल हल्का, हमने एक गेड़ा ही लगाना है इसको, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। ऐसे हम तिल मूंगफली को बारीक पीस लिया है, ऐसे ही अब हम तिल को पीस लेंगे। इसमें से हम थोड़े से तिल निकाल लेते हैं जो हम ऊपर से डालेंगे, इतने से रख लेते हैं साइड में, और बाकी सब तिल को बारीक पीस लेते हैं। सिर्फ हमने एक राउंड ही लगाना है इसको, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा पीसेंगे। थोड़े ठंडे हो गए हैं अब ये, और ये भी हमने एक चक्कर लगा लिया इनका। अब इसको भी हम डाल देते हैं मूंगफली के साथ ही, और ये दोनों हमने इकट्ठी कर ली हैं चीज़ें। अब हम गैस पे चलते हैं गुड़ की ओर। अब हम अपनी कढ़ाई में गुड़ डालेंगे, ये मैंने बारीक तोड़ लिया है, और इसके साथ ही हम डालेंगे एक चम्मच घी, और इसको मेल्ट होने देंगे। बस सारा जो गच्चक का जो मेन इसका होता है बनने का तरीका, वो सारा गुड़ पे ही डिपेंड होता है। अगर हमारा गुड़ अच्छे से मिक्स हुआ है, जैसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है वो बन गई, तो हमारी गच्चक बिल्कुल सही बनती है। अगर वो कम ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हमारी गच्चक ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बताऊँगी हमने किस कंसिस्टेंसी में अपने गुड़ को मेल्ट करना है और कहाँ तक रखना है इसको। तो हम इसको मेल्ट होने देते हैं। जब तक हमारा गुड़ मेल्ट होता है, जिस प्लेटफॉर्म पे हमने गच्चक को बनाना है अपनी चिक्की को, उस पर हम घी लगा लेंगे। इसको हम चिकना करके रख लेते हैं, चारों तरफ हमने घी लगा लेना है इसके ऊपर ऐसे करके। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और अपने गुड़ की तरफ जाते हैं, तो इससे हमारी जो गच्चक है वो नीचे नहीं जमती। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है और अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से, जब तक इसका रेडिश में कलर नहीं हो जाता इसको हमने तब तक पकाना है। और फिर मैं आपको इसको चेक करके बताऊंगी कि हमने किस कंसिस्टेंसी में इसको रखना है। अभी हम इसको और पकाएंगे, अभी ये अच्छे से पका नहीं है। गैस की आंच मैंने सिम रखी हुई है, इसको हम सिम आंच पे ही पकाएंगे। देखिए अब मैं आपको इसको चेक करके बताती हूँ कि ये किस तरह का होना चाहिए। इसको हम एक, ये मैंने पानी लिया है कटोरी में, ठंडा पानी है नॉर्मल, इसमें हम डालेंगे एक दो बूंद ऐसे करके। तो अब इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, ठंडा हो गया। तो अब हम इसको तोड़ के देखेंगे, ये देखिए अभी ये टूट नहीं रहा है अच्छे से, अभी इसकी गोली टाइप सी बन रही है, देखिए अच्छे से इसका क्रंचीपन नहीं है अभी से टूटने में। तो हम इसको थोड़ा और पका लेंगे, उसके बाद मैं आपको दोबारा चेक करके बताऊँगी इसको। इसको हम हल्का सा और पका लेते हैं गुड़ को, क्योंकि अगर हमारा गुड़ यहाँ पे कच्चा रह जाता है तो इससे हमारी गच्चक जो है वो अच्छी नहीं बनती। और जितना गुड़ में क्रंचीपन होएगा, जितना हमें चाहिए
तभी हमारी गच्चक अच्छी बनती है। इसमें घी हम शाइनिंग के लिए डालते हैं, इससे गच्चक में बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। अब हमारे गुड़ में अच्छा देखिए रेडिश कलर आ गया है, और अब हम इसको एक बार और चेक कर कर देखते हैं। इसको हम पानी में डालेंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए टूटने की आवाज़ आ रही है इसकी, ये देखिए ऐसे ही टूटना चाहिए। अब हमारा गुड़ रेडी है गच्चक के लिए। अब हम इसमें डालेंगे तिल और मूंगफली जो हमने पीस कर रखे हैं, दोनों चीज़ें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे। गैस हमने सेम आंच पे ही रखी हुई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको अपने प्लेटफॉर्म पे उतार लेते हैं। देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ये प्रोसीजर हमने बहुत जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो यहीं पे हमारी चिक्की जम जाएगी। ये मिक्स हो गया है, अब हम चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की ओर जिस पे हमने अपनी चिक्की को जमाना है। हम इसके ऊपर डाल देते हैं। और अब हम इसको फैलाएंगे अच्छे से। इसके ऊपर हम थोड़े तेल डाल देते हैं जो हमने अलग से निकाल कर रखे थे। अब ये बहुत गर्म है, इसको आराम से आपने फैलाना है। और अब हम इसको रोलर से फैला देंगे चारों तरफ। और ये हमने चिक्की जमा ली है, अब हम इसके पहले पीसेस बना लेंगे। ऐसे करके हम इसको काट लेंगे। किसी भी शेप में आप काट सकते हो। अब हम दूसरी साइड को भी काट लेंगे। ऐसे आप इसे चाकू से भी काट सकते हो, ये मैं पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ। और अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए ठंडी होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। जहाँ जहाँ पे हमने कट लगाए थे एक बार वहाँ पे दोबारा से इसको कट लगा देते हैं ताकि ये आपस में चिपके ना। फिर मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी आपको कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। मार्केट की गच्चक से भी ये ज़्यादा अच्छी बनती है। मैं देखिए ये आसानी से निकल रहे हैं पीसेस, ये देखिए, और ये देखिए। ऐसे हम सभी पीसेस को निकाल लेंगे। और ये हमने सभी पीसेस निकाल लिए हैं, अब मैं आपको इसे एक तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी क्रंची बनी है। ये देखिए, और ये बिल्कुल क्रिस्पी बनी है, ये देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।